कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इकदाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जाने ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है, और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा, अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है, बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान है, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल जिनके नाम के खैरात का सदका हम खाते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारी उम्मत की माओं को मारा? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दो। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अरे शर्म से डूब मराओ। तुम रसूल अल्लाह की उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुवर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहेज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की दखन की तारीख भरी पड़ी है, महिलाएं हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के जिम्मेदारों की, मजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है, हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है इसका खात्मा करो, हमारे महल्ले में हो रहा है समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम कभी, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान, तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो, छोड़ो लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहेज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो।
मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है, औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो।